नमस्कार दोस्तों, गजब टेक्निकल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम व्हाट्सएप पे अपना जो फ़ोन के अंदर जो व्हाट्सएप चलता है उसे अपने पीसी या लैपटॉप या किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन उसे लॉगिन करके उसे कैसे चला सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले गूगल क्रोम को स्टार्ट करके आप वहाँ पे टाइप करेंगे वे व्हाट्सएप, जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वे व्हाट्सएप टाइप करने के बाद आप जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो शो होगी जिसमें आपको बारकोड दिखाई देगा तथा उसके साथ में कुछ प्रोसेस है जो आपको फ़ोन के अंदर करनी है, जिसमें आपको जो साइड में राइट हैंड साइड में थ्री डॉट्स है उस पर क्लिक करके, वे व्हाट्सएप पर क्लिक करके जो प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करना है आपको। फिर एक बारकोड स्कैनर आएगा जिसके जो आपका पीसी के अंदर जो बारकोड आया उसको उससे स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जस्ट आप देखेंगे कि आपका व्हाट्सएप लॉगिन हो जाएगा वेब के अंदर आपके कंप्यूटर पीसी के अंदर। जैसे ही आपका व्हाट्सएप आपके पीसी के अंदर लॉगिन होता है, ये इंटरफेस आपके सामने आता है, जो भी आपकी कन्वर्जेशन होती है वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे नीचे टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें आप कोई भी अक्षर टाइप करके भेज सकते हैं। ऊपर राइट हैंड साइड पे आपको ये ऑप्शन दिखेंगे जिसमें इमेज अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं या कोई भी फोटो क्लिक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, जितने भी ये ऑप्शन है। जैसे अपन फ़ोन में ऐड करते हैं उसी प्रकार अपन व्हाट्सएप वेब व्हाट्सएप के अंदर अपने पीसी के अंदर भी ये चीज़ें सारी अटैच करके भेज सकते हैं। इसके अंदर आप अपने पीसी के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई फाइल, एक्सेल फाइल वगैरह कुछ भी रहे वो आप किसी को भी अटैच करके भेज सकते हैं बड़ी आसानी से। सिंपली जिस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने अपना व्हाट्सएप लॉगिन कर रखा है उन्हें आपको लॉग आउट करना होगा। तो सिंपली आप राइट थ्री डॉट पर क्लिक करके वे व्हाट्सएप पर क्लिक करके लॉग आउट पर क्लिक कर देंगे, जिनमें जितनी भी डिवाइसेज आपकी लॉगिन है सारी लॉग आउट हो जाएंगी।